अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 17 रमज़ान मुबारक हो चुके हैं और 17 रमज़ान मुबारक बहुत ही बड़ा दिन जंगे बदर यौम बदर के नाम से मंसूब है। अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है सूरह आल इमरान में कि बेशक मदद की तुम्हारी अल्लाह तबारक व तआला ने दरमियान मैदान बदर में, हालांकि तुम बिल्कुल कमज़ोर थे। हिजरत के दूसरे साल गज़े बदर कुबरा का वाक़या पेश आया। तारीख़ इस्लाम का ये वो मारिका है जिस जब इस्लाम और कुफर, हक और बातिल, सच और झूठ, यानी मुसलमान और काफिरों की पहली ज़बरदस्त टक्कर हुई। ये मैदान बदर है। बदर एक बस्ती का नाम है जो बदर बिन हारिस के नाम से मंसूब है। ये बदर बिन मखलू के नाम पर मंसूब है इसलिए कि इस बस्ती के कुओं का पानी साफ़ और शफाफ होता था, जिसमें चाँद नज़र आ जाता था और चाँद को बदर कहते हैं। हज़रत साद इब्न माद रज़ी अल्लाह तआला से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़दस में ये तजवीज़ पेशी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम चाहते हैं कि आपके लिए एक छप्पड़ यानी अरीश बना दें ताकि आप दौरान जंग इसमें तशरीफ़ फरमा हो और आपकी सवारी के लिए ऊँट भी वहाँ खड़े कर दिए जाएँ, फिर हम दुश्मन पर हमला करें। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अपने जानिसार की बात सुनकर दुआए खैर फरमाई, आपने इसकी इजाज़त भी मरहमत फरमाई। आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम के लिए टेले पर एक आरिश बना दी गई जहां से जंग का सारा मंजर दिखाई दिया जा सकता था। इस आरिश मुबारक में हुज़ूर अलैहिस्सलाम जलवागर हुए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना साद इब्न माद रज़ी अल्लाह तआला तलवारें लेकर इस आरिश के दरवाज़े पर खड़े हो गए और ये जुम्मतुल मुबारक की रात थी। मुसलमानों की खूब नींद आई, सुबह उठे तो सफ़र की थकन ख़त्म हो चुकी थी और हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात इबादत मसरूफ रहे। जब 17 रमज़ान मुबारक की सुबह नमूदार हुई तो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के लिए नमाज के लिए बुलवाया और नमाज से फारिग होकर जिहाद पर वास फरमाया और आपने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को लड़ाई के तमाम तरीके इरशाद फरमाए। इसी मौके पर रात को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने लश्कर की सफ़बंदी फरमाई और सुबह को भी। इस सफ़बंदी का एक अजीब व गरीब वाक़या ये है कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सफ़े सीधी करने का हुक्म दिया, आपके दस्ते मुबारक में एक तीर था जो शख्स आगे पीछे होता, इसको तीर के इशारे से सफ़ में बराबर होने का हुक्म दिया गया। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम सफ़े दुरुस्त करवाते हुए एक सफ़ से गुजर रहे थे कि देखा हज़रत सवाद बिन अज़िया रज़ियल्लाहु तआला सबसे आगे निकले हुए थे इस तीर से जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दस्ते मुकद्दस में था। हल्की सी चोट लगाई और इरशाद फरमाया, ऐ सवाद सीधे हो जाओ। हज़रत सवाद रज़ियल्लाहु तआला सफ में सीधे हो गए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तआला ने आपको हक और इंसाफ के साथ भेजा है, आपके मारने से मुझे दर्द हुआ है, मुझे बदला चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस बात को गुस्ताखी पर मामूल ना फरमाया, कोर्ट मार्शल करने का हुक्म ना दिया, बल्कि पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलाम ने अदल इंसाफ पूरा करने के लिए एक सिपाही का मुतालबा क़िसास पूरा करने का हुक्म दिया। अपनी कमीज मुबारक ऊपर उठाई और अपने शिका मुबारक को अपने सिपाही के सामने कर दिया और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ सवाद आओ और अपना बदला ले लो। हज़रत सवाद रज़ियल्लाहु तआला ने जब ये देखा तो वो लपक कर आगे बढ़े तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को गले लगाया और बतन मुबारक को चूम लिया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ सवाद तुमने ऐसा क्यों किया? अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मरहला हमें दरपेश है हुज़ूर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, मेरी ये आरजू थी कि मेरी जिल्द मुबारक हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जिल्द मुबारक से मस हो जाए। और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने जानिसारे ग़ुलाम की हसरत पर खुशी और मुसरत का इजहार फरमाया और दुआए खैर से भी आपको सरफराज फरमाया। उसके बाद ये जंग का इब्तिदा और जंग की शुरुआत होती रही और इस जंग में बहुत से काफिर वासिल जहन्नुम भी हुए और सहाबा कराम भी शहीद हुए। उसके बाद इस जंग में सिर्फ 14 सहाबा कराम अलैहिम रिदवान शहीद हुए, उनके आसमे मुबारक यहाँ ज़िक्र करने की गुंजाइश नहीं। उसके बाद असीरान बदर भी वहाँ मौजूद थे और मदीने तैयबे की तरफ जब वापसी का सफ़र शुरू हुआ तो 3 दिन बदर में ठहरने के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने ग़ुलामों के हमरा मदीना मुनव्वर की तरफ रवाना हुए
और जंगी कैदी हमरा थे, माल गनीमत लदा हुआ था। जब ये मकाम उफैल पर पहुँचे तो हुजूर अली सलाम ने हुक्म फरमाया कि वो आगे मदीने तैयबा चले जाएँ और अहले मदीना को खुशखबरी दे दें कि हम जंगे बदर जीत चुके हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें जंगे बदर के मामलात को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।